एक साल पहले भी पिछली बार भी मैं आया था, पूरा अटेंड किया था, हमारा भी नाटक था। इस बार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था शेड्यूल की वजह से, लेकिन मुकेश छाबड़ा का ये प्रयास मेरे ख्याल से बॉम्बे के अंदर इतने सारे थिएटर और फिल्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा करना अपने आप में एक अद्भुत संयोग है और मेरी शुभकामनाएं। नहीं, मेरे ख्याल से मुकेश छाबड़ा ने जो सबसे बड़ा काम किया है, बड़े से बड़े बैनर से लेकर के और छोटे से छोटे बैनर वालों को और थिएटर वालों को और एक्चुअल जो रियल टैलेंट है उनके अंदर दूरी बहुत कम कर दी है। तो वो जो दूरी जो कम हुई है और आज टैलेंट बेस पे ही कास्टिंग हो रही है, और मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वरना इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में थिएटर के लोगों को कोई सोच भी नहीं सकता था पहले। आज ये सब पॉसिबल हो पाए इन प्रयासों की वजह से। बस होली पे मैं तो दिल्ली होऊंगा, दिल्ली के पास में होऊंगा, तो अपने दोस्तों के साथ कुछ राइटिंग में बैठ रहा हूँ एक दफा हफ्ता 10 दिन, तो शायद वहीं जो भी होगा होली मेरे ख्याल से मनाऊंगा नहीं इस बार। भाई कीचड़ में बिना नहाए तो होली होती नहीं है, बिना भांग पी और बिना कीचड़ में गिरे तो होली हम तो खेली नहीं कभी, तो इसलिए आजकल खेलनी पड़ रही मजबूरी में थोड़ी सी बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे छोड़। अनुभव सिन्हा, अनुभव सिन्हा। मैं पहली बार आया हूँ बट फैंटास्टिक आइडिया है, मुकेश ने किया तो अच्छा ही होगा। थिएटर को वापस इतना ग्रैंडर देना आसान काम नहीं है। यस, पुट टुगेदर, सो ऑल द बेस्ट। सर कितना परिवर्तन देखते हैं आप आज के टाइम में थिएटर को एंड इस डिजिटल वर्ल्ड में? यार अभी इवॉल्व हो रहा है थिएटर जो डिजिटल स्पेस में, मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो जाएगा अब लोगों तक पहुंचना। हाँ, बहुत सारे ऐसे रास्ते निकलेंगे कि थिएटर पहुंच सकेगा लोगों तक थ्रू द वेरियस अदर मीडियम विच आर ऑन पीपल्स फोन्स नाउ। ओके सर, और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट से आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं। थिएटर फेस्टिवल मेरा सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट थिंग्स टू डू इन कॉलेज। आई स्टिल रिमेंबर गोइंग टू द NSD फेस्टिवल्स एंड वेर इज दिस यूटोपिया इन दिल्ली, नेशनल हैबिटेट सेंटर एंड ऑब्वियसली ऑल द कॉलेज फेस्टिवल्स। सो दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई हैव कम इन खिड़किया एंड आई थिंक लास्ट ईयर वॉज द फर्स्ट ईयर दैट इट हैपेंस। आई एम वेरी एक्साइटेड। आई डोंट रियली नो व्हाट आई थिंक आई एम गोइंग टू बी लिसनिंग टू अ रिसाइटल। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। वेल obviously there's a difference between stage and so stage is always happen on actual time and the kind the process that I think both they're very different. The experience of like I've not done a film, but if I talk about television and say theater, the process and the journey टू पुट अप अ शो और पुट अप अ सीरियल इज वेरी वेरी डिफरेंट। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब हम TV पे शूट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, वो थोड़ा सा इट टेंड्स टू गेट अ लिटिल मैकेनिकल, बट स्टेज इज वेरी, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा यू हैव टू गिव इट योर ऑल एंड इट इज़ मच मोर स्पॉन्टेनियस। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम डे डू अ म्यूजिकल। I don't answer to hypothetical questions. Thank you. Actually, बहुत सारे हैं। I remember taking our backpacks, wearing our
Kolhapuri chappals and those Fab India skirts and spaghettis and those dark coal, that is the kind of the vibe that we used to leave home in the morning. And I think by evening we wouldn't even looking like half nice as we used to. But in the whole day, the kind of things, whether it was watching different kind of plays, right from serious play to plays to poem recitals to sometimes shayaris to sometimes, I remember in the Habitat Center once they showed Mahabharat with Kathputli. So I don't forget all these the things. So every year would be new. So 4 years regularly I have experienced it in different colleges. It's my most favorite. And then you used to get tired and we obviously wouldn't have chairs and also we'd just lie down in the grass eating like pani puri. So yeah, I have lots of good memories. I don't really play Holi, but yes, puja karke phir mandir mein thoda sa Holi chada ke and then probably parents and friends. जी बिछड़ते, I mean it is definitely becoming slowly for say a particular kind of people like it, it's becoming very very niche. But I don't think something as enriching and something as important as theatre, which is a part of storytelling, can go anywhere. And places like Khidkiyan and you know, the, all the other all over the world, if you see, I don't think stage is going away anywhere, because I think the Broadways abroad are as popular as the movies. And yes, in our country, even in our country, I think small villages, and so there are I have grown up seeing Jatra and street theater, so I think it's there. I definitely think that probably if it got more funding and it got more push, it would be way more. But theater is a medium of stage where you need to be present in person to kind of feel the stage. It is not like even if you see a play in your home on screen, like when we see this Shakespearean BBC plays at home, it's not as same as being in the theater present and experience it firsthand. So I think that's pretty much about it. That's all right, not everybody can. I said that's all right, not everybody can like you. You per se are dislike you. No. My answer is not everybody can like every single show on TV. So there will be people who would really appreciate you, and there would be some who. That's absolutely all right. Thank you so much. बड़ी आलसी है।